दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी से बॉलीवुड में भूचाल मचा हुआ है। सबको अपना अपना डर है कि कहीं आर्यन या फिर उसके साथ अरेस्ट अन्य आरोपी किसी का नाम ना उगल दें। आर्यन के साथ जितने भी आरोपी एनसीबी ने पकड़े हैं, वो सभी अपने आप में सेलिब्रिटी से कम नहीं है और बॉलीवुड में सबके गहरे कनेक्शन हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पार्टियों में वो हमेशा आते जाते रहे हैं, मतलब उन सभी को बॉलीवुड का हर सच पता है, बॉलीवुड का हर राज मालूम है। और अगर ऐसे में नाम उगलने लगेंगे तो यकीन मानिए बॉलीवुड में कयामत आ जाएगी। खैर, फिलहाल तो खबर ये है दोस्तों कि आर्यन के साथ क्रूज पर पकड़े गए दो आरोपी सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं और वो क्रूज में पार्टी को लेकर कोर्ट में अपना बयान तक दर्ज करवाने को तैयार हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि अगर सच में दोनों सरकारी गवाह बन गए तो आर्यन खान को सतीश मान शिंदे तो क्या ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये मामला बेहद संगीन है दोस्तों, और इसमें आरोपियों का सरकारी गवाह बनना केस को एक नया मोड़ दे सकता है और एनसीबी के केस को मजबूती भी दे सकता है। अब इसी बीच एनसीबी दफ्तर के बाहर भी काफी ड्रामा देखने को मिल रहा है। आर्यन खान के सुपर सेलिब्रिटी मम्मी पापा के अलावा सभी आरोपियों के पेरेंट्स एनसीबी दफ्तर के बाहर बारी बारी पहुंच रहे हैं और खूब ड्रामा कर रहे हैं। तो आपको आर्यन खान के मामले में दिन भर की अपडेट देते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी राय अपनी बात जरूर रखें। तो 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में रंगीन पार्टी चल रही थी, नशा ही नशा था, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, मगर एनसीबी की टीम ने सीक्रेट में रंग में भंग मिला दिया और धड़ाधड़ लोगों की चेकिंग शुरू कर दी। और इसी चेकिंग के दौरान सुपरस्टार शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान के साथ ही 8 लोगों को डिटेन किया गया। अब इन 8 में से एनसीबी ने शाम तक 3 को अरेस्ट भी कर लिया, जिसमें एक आर्यन खान, दूसरा अरबाज मर्चेंट और तीसरी मुनमुन धामेचा रही। इन तीनों को ही कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक की एनसीबी की कस्टडी में दिया है ताकि एनसीबी इनसे और भी पूछताछ कर सके। अब पहले तो ये तीनों कुछ भी ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं थे, जिसमें आर्यन का तो सामने आया था कि वो बार बार एनसीबी की टीम से माफी भी मांग रहा था, मगर जैसे ही तीनों आरोपी अपने अपने वकीलों से मिले तो इसके बाद ही तीनों के ही सुर बदल गए। जी हाँ, अगर आर्यन की बात को छोड़ दिया जाए तो अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा तो उस पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर सरकारी गवाह बनने को भी तैयार हैं। सूत्रों की माने तो अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा पहले से दोस्त रहे हैं और अरबाज ने ही आर्यन की मुलाकात मॉडल मुनमुन धामेचा से करवाई थी। अरबाज खुद मुंबई के रहने वाले हैं और एक्टिंग फील्ड में लगातार हाथ आजमा रहे हैं। अरबाज मर्चेंट बिजनेसमैन और एडवोकेट पिता के बेटे हैं और सामने आया कि अरबाज शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान के साथ रिलेशनशिप में भी हैं। वहीं मुनमुन धामेचा की बात करें तो 39 साल की मुनमुन मध्य प्रदेश के सागर की रहने वाली हैं, दिल्ली में रहकर मॉडलिंग करती हैं। सामने आया है कि मुनमुन के माता पिता दोनों का ही निधन हो चुका है और वो अपने भाई के साथ सर्वाइव कर रही हैं। अब मुनमुन के वकील का साफ कहना है कि मुनमुन तो आर्यन खान को जानती तक नहीं है, वो तो वहाँ पर अरबाज मर्चेंट के बुलावे पर गई थी। वहीं अरबाज के पिता असलम मर्चेंट का कहना है कि उनका बेटा अरबाज पूरी तरह निर्दोष है, वो तो आर्यन खान के साथ गेस्ट के रूप में गया था। मतलब यहाँ पर आप बात समझिए दोस्तों, मुनमुन का दावा है कि वो आर्यन खान को नहीं जानती। वहीं अरबाज के वकील पिता का कहना है कि अरबाज आर्यन के दबाव में क्रूज पार्टी में गया था और दोनों के ही वकीलों की माने तो दोनों ही अपने बयान कोर्ट में दर्ज भी करवाने को तैयार हैं। अब अगर ऐसा होता है तो दोनों के ही बयान सीधे तौर पर आर्यन खान के खिलाफ होंगे और केस में दोनों की गवाही सरकारी गवाह के तौर पर मानी जाएगी, जो कि खुद क्राइम सीन पर मौजूद थे। अब ऐसा होता है तो यकीन मानिए दोस्तों, आर्यन खान बुरी तरह फंस जाएंगे। वहीं इधर कोर्ट के बाहर एनसीबी दफ्तर के बाहर भी भयंकर ड्रामा देखने को मिला। एनसीबी टीम के सूत्रों की माने तो एनसीबी दफ्तर के बाहर लगातार आरोपियों के पेरेंट्स का आना जाना लगा हुआ है। कोई पिज्जा बर्गर अपने बच्चों तक भिजवाने को कह रहा है तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कपड़े ला रहा है। जहां आर्यन खान बयान दे रहे हैं कि उन्हें अपने पापा शाहरुख खान से मिलने के लिए या फिर बात तक करने के लिए मैनेजर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वहीं अन्य आरोपियों के पेरेंट्स लगातार एनसीबी दफ्तर पहुंच रहे हैं और अपने अपने बच्चों का ख्याल रखने की गुजारिश भी एनसीबी अधिकारियों से कर रहे हैं। एनसीबी से जुड़े सूत्रों की माने तो एक आरोपी की मां तो सुबह और शाम दोनों टाइम आकर अपने बेटे के लिए बर्गर पहुंचा के जा रही हैं। हालांकि वो किस आरोपी की मां है इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है, मगर हाँ, एनसीबी दफ्तर के बाहर भयंकर ड्रामा चल रहा है क्योंकि ये पूरा मामला बहुत हाई प्रोफाइल है,
जरा सी ऊंच नीच पासा पलट सकती है। देश के महंगे महंगे वकील आरोपियों को छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं अगर ऐसे में अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा सरकारी गवाह बनते हैं तो फिर आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग कंजम्पशन बाइंग एंड सेलिंग के केस में अरेस्ट कर लिया गया है और आर्यन खान की बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है। अब वो 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। आर्यन की बेल रिजेक्ट होने से पहले ही शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम को सलमान खान की बहन अलवीरा खान के साथ मन्नत छोड़ते हुए देखा गया है। अब अबराम अपना घर मन्नत छोड़कर कहां गए हैं और क्यों गए हैं, ये आपको बताते हैं। 3 अक्टूबर को जब आर्यन खान को अरेस्ट किए जाने की न्यूज सामने आई तो सलमान खान को शाहरुख खान के घर जाते हुए देखा गया। सलमान खान ने जहां शाहरुख खान को हिम्मत और हौसला दिया और आर्यन के बारे में भी बात की, वहीं सलमान खान ने शाहरुख को एडवाइस दी कि अबराम को उनके घर भेज दिया जाए क्योंकि अबराम अभी बहुत छोटे हैं और उन्हें इन सब बातों की अभी समझ नहीं है। सेकेंडली, सलमान खान ये भी जानते हैं कि आर्यन के अरेस्ट होने के बाद एनसीबी मन्नत पर रेड कर सकती है और अगर एनसीबी रेड करती है तो अबराम का घर में होना ठीक नहीं होगा और हमने देखा कि ऐसा ही होने जा रहा है। एनसीबी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है मन्नत में रेड करने की। अबराम अभी छोटे हैं और अपने घर में यूं पुलिस देखकर उन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा और वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। इसी कारण सलमान खान के ही कहने पर शाहरुख खान ने ये डिसीजन लिया है। 4 अक्टूबर को हमने सलमान खान की बहन अलवीरा खान को मन्नत जाते हुए देखा और वापसी पर उनके साथ हमने शाहरुख के बेटे अबराम को भी अपना घर छोड़ते हुए देखा है। अबराम अब कुछ दिन सलमान खान के घर में ही रहेंगे तब तक जब तक आर्यन घर वापस नहीं आ जाते। आपको अबराम के बारे में शाहरुख खान का ये डिसीजन कैसा लगा, कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, ड्रग केस में हुई गिरफ्तारी से आर्यन खान बुरी तरह से टूट गए हैं। एनसीबी की पूछताछ में भी आर्यन रो पड़े। आर्यन को इस बात का अफसोस है कि वो ड्रग के चंगुल में फंस गए और इस वजह से आज उनके पिता शाहरुख खान का नाम खराब हो रहा है। अभी जब एनसीबी आर्यन और उनके साथियों को कोर्ट के लिए लेकर निकली तो आर्यन के चेहरे पर उनका दुख साफ झलक रहा था। आर्यन की आंखें झुकी हुई थीं और उनका चेहरा उतरा हुआ था, यहाँ तक कि वो किसी से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। कल तक जो मीडिया वाले उनकी अच्छी कवरेज के लिए इकट्ठा होते थे, आज वही मीडिया उनकी बदनामी को कवर कर रहा है। अब जब फ्यूचर में उन्हें इन्हीं मीडिया वालों का सामना करना होगा तो वो कैसे कर पाएंगे। फिलहाल आर्यन को एनसीबी कोर्ट लेकर गई है। बताया जा रहा है कि एनसीबी कोर्ट से और रिमांड मांग सकती है, हालांकि इसकी उम्मीद कम ही है। आर्यन के वकील पूरी कोशिश करेंगे कि आज ही उन्हें जमानत मिल जाए। फिलहाल आगे की अपडेट क्या होगी हम आपको बताते रहेंगे।